हम लोग प्री वर्कआउट सप्लीमेंट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसको लेने के बाद हमें मिलता है फोकस, मसल पंप, एंड्योरेंस एंड एथलेटिक परफॉर्मेंस। मार्केट में बहुत सारे प्री वर्कआउट सप्लीमेंट अवेलेबल है, तो हमारे लिए कौन सा या फिर आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा, आज के वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, कोई भी प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेने से पहले आपको चेक करना है उसका इंग्रेडिएंट लिस्ट। उसमें ये 5 इंग्रेडिएंट्स होना ही चाहिए, और वो भी प्रॉपर डोसेज में, ना ही कम और ना ही ज्यादा, राइट? तभी वो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट के कैटेगरी में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो पहला इंग्रेडिएंट है कैफीन, जो बेसिकली आपके फोकस, एनर्जी लेवल एंड अलर्टनेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है वर्कआउट के दौरान। बट कैफीन लेने से कुछ लोगों को जिटरनेस या फिर जिटरीनेस हो सकता है। जिटरीनेस मतलब रात को नींद ना आने का दिक्कत। इसलिए एक और इंग्रेडिएंट प्री वर्कआउट सप्लीमेंट में होना ही चाहिए, और वो है L-theanine, जो अमीनो एसिड है, ग्रीन टी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये कैफीन से होने वाला जिटरीनेस या फिर साइड इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज या फिर कम करने में हेल्प करता है। आपके मूड्स, परफॉर्मेंस, अलर्टनेस अच्छे हो जाते हैं। आपके फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस को भी रिड्यूस करने में L-theanine बहुत ही हेल्प करता है। नंबर 3 है आर्जिनाइन। नाम तो सुना ही होगा, लोग जिम में इसके पाउच लेकर जाते हैं और उसे यूज करते हैं, दैट्स गुड। बट ये हमारे बॉडी में बहुत ही कम एब्जॉर्ब होते हैं, तो उससे बेटर एब्जॉर्ब होने वाला इंग्रेडिएंट आपको आर्जिनाइन से भी ज्यादा, आर्जिनाइन से भी बेटर रिजल्ट देगा, वो है सिट्रलिन मैलेट। सिट्रलिन मैलिक एसिड के साथ बाइंड करके नेचुरल सब्सटेंस बन जाते हैं, जो फ्रूट्स में मिलता है। इससे आपको मिलेगा बेटर पंप, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन को ये इंक्रीज करता है, ब्लड फ्लो को भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है, तो इससे आपको मसल में जबरदस्त पंप आप देख पाओगे। 4th इंग्रेडिएंट है बेटा एलानाइन। वर्कआउट के दौरान हुए फैटिक को रिड्यूस करने के साथ साथ आपके एक्सरसाइज कैपेसिटी को भी इंक्रीज करने में ये हेल्प करता है। कई बार आपको प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेने पर टिंगलिंग सेंसेशन होते हैं आपके लिप्स पे या फिर आपके टंग पे, तो वो इसके ही वजह से होता है, बेटा एलानाइन के वजह से, जो कि नॉर्मल है। 5th इंग्रेडिएंट है L-tyrosine। ये फोकस, अलर्टनेस, मूड्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, साथ ही आपके एनर्जी लेवल को भी इंक्रीज करने में मदद करता है। ये स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करने के साथ साथ आपके कॉग्निटिव फंक्शन को भी इम्प्रूव करते हैं, इससे आपके ओवरऑल वर्कआउट बेटर हो जाते हैं। ये 5 इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको पहले बताया, वो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट में होना ही चाहिए। अब बात करते हैं डोसेज के बारे में, क्योंकि प्रॉपर डोसेज अगर नहीं होंगे तो वो प्री वर्कआउट उतना यूजफुल नहीं होगा। देखिए, मार्केट में बहुत सारे प्री वर्कआउट सप्लीमेंट अवेलेबल है, तो कौन सा हमारे लिए बेस्ट होगा, कंफ्यूज ना होके वीडियो को पूरा देखो, समझ जाओगे। जो अच्छे क्वालिटी का प्री वर्कआउट सप्लीमेंट होता है उसमें कैफीन होते हैं 100 mg से लेकर 300 mg तक, और कैफीन के साइड इफेक्ट्स को या फिर जिटरीनेस को रिड्यूस करने के लिए उसमें मौजूद होते हैं L-theanine। उसके डोसेज डिपेंड करते हैं कैफीन के डोसेज के ऊपर, जैसे कि ब्लैक बीस्ट न्यूट्रिशन का बिग डैडी प्री वर्कआउट सप्लीमेंट में कैफीन मौजूद है 200 mg। 2 टाइप्स ऑफ कैफीन इसमें आपको देखने को मिलेगा, कैफीन एनहिड्रोज 100 mg एंड DI कैफीन मैलेट 100 mg। उसके जिटरीनेस को रिड्यूस करने के लिए इसमें है 200 mg L-theanine। नेक्स्ट है बेटा एलानाइन। 2 से 5 ग्राम बेटा एलानाइन मोस्ट ऑफ प्री वर्कआउट सप्लीमेंट में देखा जाता है, जैसे कि बिग डैडी में है 3000 mg। अगर आप पहले बार यूज कर रहे हो तो 2 ग्राम आपके लिए इनफ होगा, और अगर आप लंबे टाइम से बेटा एलानाइन को यूज करते हो तो 3 से 5 ग्राम बेटा एलानाइन की डोसेज आप कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट है सिट्रलिन मैलेट। 5 से 6 ग्राम की डोसेज मसल पंप के लिए एलिजिबल है। मैंने देखा है बहुत सारे प्री वर्कआउट सप्लीमेंट में 1 ग्राम से 3 ग्राम तक ही डोसेज होता है सिट्रलिन मैलेट का, जो कि मसल पंप के लिए सही नहीं है, ये अंडर डोसेज माना जाता है। आप ब्लैक बीस्ट न्यूट्रिशन का बिग डैडी को ही देख लीजिए, इसमें 5000 mg सिट्रलिन मैलेट के साथ 2000 mg आर्जिनाइन 1 kg मौजूद है,
और इसीलिए स्कूप का साइज इंक्रीज हो गए। वर्कआउट के दौरान आपको मिलेगा जबरदस्त पंप एंड वास्कुलरिटी। लास्ट में आता है एल टायरोसिन। अगर आप इसके सिग्निफिकेंट इफेक्ट देखना चाहते हो तो 500 mg एल टायरोसिन आपके प्री वर्कआउट सप्लीमेंट में होना ही चाहिए। जैसे कि ब्लैक बीस्ट न्यूट्रिशन का बिग डैडी में है 500 mg एल टायरोसिन, साथ ही 400 mg जूनिपेरस गवर्निस एक्सट्रैक्ट, 400 mg जिनसेंग एक्सट्रैक्ट जैसे 15 पोटेंट एंड क्लिनिकली स्टडीड इंग्रेडिएंट्स। अभी मैं इसको ही यूज कर रहा हूँ, ब्लैक बीस्ट न्यूट्रिशन का बिग डैडी प्री वर्कआउट सप्लीमेंट, क्योंकि इसमें मेरे बताया गया 5 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर डोसेज में मौजूद है। और भाई लोग, इसमें मौजूद है ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट 10 mg, ये आपकी इम्यूनिटी को बेटर करते हैं, साथ ही आपके ओवरऑल एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को बेटर बनाता है और इससे आपके फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन भी बेटर बन जाते हैं। इसमें कोई भी फालतू के एडिटिव्स या फिर प्रिजर्वेटिव्स मौजूद नहीं है। मिक्सिबिलिटी आप लोग तो देख ही चुके हो, काफ़ी अच्छे से ये वाटर में मिक्स हो जाता है और इसके फ्लेवर भी काफ़ी बढ़िया है। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्रूट पंच। दोस्तों, ये प्रोडक्ट GMP FSSAI सर्टिफाइड है और थर्ड पार्टी लैब टेस्टेड है। चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल, कोई भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप बिगिनर हो और पहली बार इसको यूज़ करना चाहते हो तो डोसेज को आधा कर लो, मतलब 18 ग्राम की डोसेज ना लेकर 9 ग्राम की सर्विंग आप लो, फिर बॉडी यूज टू हो जाए तो डोसेज आप इंक्रीज कर सकते हो। मेरी तरह इंटरमीडिएट हो या फिर एडवांस लिफ्टर हो तो 18 ग्राम की सर्विंग आपके लिए इनफ है। इससे ज़्यादा एक दिन में आप कंज्यूम ना करो, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्री वर्कआउट सप्लीमेंट है, डैडी ऑफ ऑल प्री वर्कआउट सप्लीमेंट, ब्लैक बीस्ट न्यूट्रिशन का बिग डैडी प्री वर्कआउट सप्लीमेंट।